दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं इन दिनों बॉलीवुड फिल्मों का समय कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। आए दिन किसी न किसी फिल्म या एक्टर को सोशल मीडिया पर बॉयकॉट किया जा रहा है और इतना ही नहीं कई मौकों पर तो पूरी की पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को ही बॉयकॉट करने की मुहिम चलाई जा रही है। और इस मामले में रक्षाबंधन फिल्म के स्टारर अक्षय कुमार ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर चल रही इस मुहिम के कारण बॉलीवुड इंडस्ट्री को होने वाले नुकसान को लेकर चर्चा की है। दोस्तों हाल ही में रिलीज हुई अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर काफी बॉयकॉट किया गया था और अक्षय कुमार की इस फिल्म को 3 दिन बीत चुके हैं और ये फिल्म अब तक अपनी छाप नहीं छोड़ पाई है। और ऐसे में अक्षय कुमार ने एक इंटरव्यू में अपनी राह रखते हुए कहा है कि फिल्मों को बॉयकॉट करने की शरारत कुछ लोगों के ग्रुप्स द्वारा की जा रही है और मेरा उनसे ये अनुरोध है कि वो ऐसा नहीं करें, क्योंकि एक फिल्म को बनाने के लिए काफी लोगों के पैसे और मेहनत लगती है और आप इस तरह किसी फिल्म का बहिष्कार करते हो तो इन दोनों चीजों का बहुत बड़ा नुकसान होता है। फिल्म इंडस्ट्री के नुकसान के साथ साथ इन चीजों का देश की अर्थव्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है और ये देश की इकोनॉमी का भारी नुकसान है और मुझे यकीन है कि ऐसा करने वाले लोगों को इस चीज का जल्द ही एहसास होगा। बॉलीवुड बॉयकॉट के अलावा अक्षय कुमार ने साउथ की हिट फिल्मों के बारे में भी चर्चा की है और ऐसा कहना गलत है कि ये फिल्म साउथ की फिल्म थी इसलिए हिट हो गई, बॉलीवुड की होती तो फ्लॉप हो जाती। और कोई भी फिल्म अपने अच्छे प्रदर्शन के दम पर चलती है, ना कि नॉर्थ और साउथ के हिसाब से। और दोस्तों बॉयकॉट के कारण अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन भी बॉक्स ऑफिस पर संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही है। और अक्षय कुमार के इन बयानों को लेकर दोस्तों आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और बॉलीवुड से रिलेटेड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना।